हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि सभी लोग ठीक ही होंगे। सो आज का जो ब्लॉग रहेगा तंदूर भट्टी के ऊपर रहेगा। इसका ऑल इन्फॉर्मेशन जानेंगे एंड इसके ऑल प्रोसेस जानेंगे, क्या किस तरीके से बैठता है एंड क्या होता है नहीं होता है, ऑल डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। सो वीडियो पूरा बन रहे और इसको बोलते हैं मतलब कि एक ग्लास कूलर, ठीक है, एक रूई टाइप का है जो कि तंदूर के साइड सेट में, भट्टी के साइड सेट में दिया जाता है, जो कि मैं आगे चलकर दिखाऊंगा। तो इसको एक्चुअली यूज़ किया जाता है जो कि तंदूर का जो हीट होता है टेम्परेचर को एक सामान में रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ज़्यादा देर तक भट्टी हीट रहेगा लेकिन रोटी नान परफेक्ट निकलेगा, तो इसके लिए ये होता है। और इसके साथ साइड में ये जो भट्टी टाइप का रॉड दिया जाता है जो कि भट्टी हिल ना जाए, इसके लिए दिया जाता है। सो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ, देन आगे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि हमारा जो पट्टी जो है रॉड टाइप का, वो भट्टी को टच करके दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से भट्टी ही लेना, क्योंकि भट्टी के साइड साइड में रोई जो ग्लास उल वो भर जाएगा, पूरा टाइट करके भर जाएगा, ठीक है, जो कि भट्टी ना हिल जाए जिसकी वजह से। और इसमें कुछ वेल्डिंग टाइप का भी मारा गया है, ठीक है, क्योंकि रॉड भी पूरा परफेक्ट से बैठाया गया है और हमारा भट्टी थोड़ा छोटा था, तो गलती से छोटा भट्टी लेकर आ गए हैं, तो अब उसको ही फिट करना पड़ेगा। देन हम लोग नीचे ईंटा टाइप के दे दिए एंड उस पर सीमेंट का ये दे दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि भट्टी में जब भट्टी के नीचे जब गैस जब फायर जब मतलब कि जले ना, तो बाहर फायर ना निकल जाए, जिसकी वजह से भट्टी में थोड़ा कम आ जाएगा। देन हम लोग उसमें मतलब कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, भट्टी के अंदर ही फायर रहेगा एंड भट्टी परफेक्ट हीट रहेगा। चलो फिर वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं, देन दिखाते हैं, क्योंकि पूरा फुल प्रोसेस भी दिखाना है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाए इसलिए। और ये भट्टी के ऊपर का प्लेट है, कवर है, ठीक है, भट्टी के ऊपर का कॉपर है जिसको मतलब कि। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहीं भरना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं बच्चे लोग ने। सो इसको बोलते हैं ग्लास कूलर, ठीक है, इसमें मतलब कि कांच के टाइप का होता है, जैसे इसे नॉलेज नहीं है, बट एक ग्लास कूलर होता है जो कि इसको भरा जाता है, इसलिए जैसे कि भट्टी का टेम्परेचर एक सामान यानी कि मेनटेन होकर रहे, ज़्यादा समय तक भट्टी हीट रहे जो कि रोटी नान परफेक्ट निकले, सो इसलिए इसको दिया जाता है, जैसे कि ये गैस भट्टी है, ठीक है। गैस भट्टी में इस तरीके से काम होता है, कोयला भट्टी में भी लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, बस उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। सो ये और यहाँ पे हमारा सीमेंट जैसे कि व्हाइट सीमेंट इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बालू है जैसे कि रूई वगैरह पूरा सब कुछ भर देने के बाद में पूरा टाइट से भर जाएगा और उसके ऊपर में बालू दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो पूरा बन रहे एंड मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग दिखाना है आप लोगों को। और यहाँ पर लगभग पूरा कम्प्लीट होने पर आ चुका है, जैसे कि उसका जो ग्लास वूल था लगभग बच्चे लोगों ने पूरा भर दिया है, जैसे कि मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ बट मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इसको पूरा टाइट से दिया जाता है जैसे कि भट्टी ना हिल जाए, क्योंकि जब रोटी नान जब जोर से मारेंगे तो भट्टी अंदर टूट ना जाए, ठीक है, तो जिस वजह से पूरा टाइट से दिया जाता है, मतलब जितना भी जोर से आप रोटी नान मार सकते हो भट्टी टूटेगा नहीं और अंदर घुसेगा नहीं, ठीक है, वरना हाथ घुस जाएगा ना जैसे कि मिट्टी का है ना, सो इसलिए। सो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से भरा जाता है। और ये मतलब कि ये जो रूल उल जो ग्लास उल यूज मतलब कि जैसे कि भरा जाता है, इसका एक ग्लोव्स होता है, ठीक है, वो ग्लोव्स पहनकर काम किया जाता है, बट यहाँ जो मिस्त्री आया तो वो गलत से ग्लोव्स नहीं लाए हैं एंड पता नहीं ग्लोव्स नहीं लाए थे, तो बच्चे लोग जरी पहनकर काम कर रहे हैं एंड उसमें बहुत परेशानी भी होती है, जैसे कि सोने में ये करने में बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि उसमें कांच टाइप का होता है ना, सो हाथ वगैरह में घुस जाता है, बहुत मुश्किल होता है। सो इस तरीके से उसको टाइट किया जाता है जो कि भट्टी ना हिले एंड इसके ऊपर में बालू टाइप का जो मैंने आपको दिखाया था ना, सो उसको डाला जाता है, सो मैं दिखाऊंगा आगे भी चलकर, ठीक है। सो वीडियो में पूरा बन रही है और इसको पूरा अच्छे से टाइट किया जाता है जैसे कि भट्टी हिल ना जाए, क्योंकि इसको जब हम सही से टाइट नहीं करेंगे तो एक कुछ दिन के बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा ना, जैसे कि फिर से जल्दी भट्टी टूट जाएगा या तो फिर फट जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। सो इसके ऊपर टाइट करने के बाद में इस तरीके से पूरा बालू दिया जाता है और उसका लेवल किया जाता है, लेवल करने के बाद में वो जो ढक्कन था उसको जैसे कि मैंने ढक्कन दिखाया था आप लोगों को, इसका प्लेट, ठीक है, सो उसको डाल देते हैं, डालने के बाद में उसको भी ओल्डिंग मारने का रहता है कि वो निकल ना जाए, इसलिए। सो मैं दिखाता हूँ आगे चलकर आप लोगों को पूरा प्रोसेस। सो इसके ऊपर पूरा बालू डालते हैं, जब तक मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ एंड देखते हैं आगे प्रोसेसिंग। सो जैसे कि हमारा बालू जो है लेवल हो चुका है और अब बारी आ गई इसके ढक्कन डालने की, प्लेट डालने की। सो हम अब इसमें प्लेट डाल देंगे और इसको परफेक्ट से मतलब कि अच्छे से बैठाएंगे, देन बैठाने के बाद में इसको होल्डिंग मारेंगे एंड इसका आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले
पेड़ बैठा देते हैं, देन मैं उसको फास्ट करता हूँ क्योंकि लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। तो फाइनली यहाँ पे हमारा प्लेट बैठ चुका है और बरी आ गई है। जैसे जो बालू में व्हाइट सीमेंट मिसा कर रखा गया था सो उसको इसके ऊपर मारा जाएगा, क्योंकि सैशेट में जैसे कि इसके सैशेट में खाली रह जाएगा ना, सो उससे माल मटेरियल निकल सकता है, जैसे कि ग्लास वगैरह वगैरह निकल सकता है गर्म गर्म के वैसे। ठीक है, सो इसको दिया जाएगा जो कि व्हाइट सीमेंट का सपोर्टिंग के लिए, जैसे कि हाथ में ऐसा कुछ ना लगे तो इसलिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पानी मारकर उसको ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ एंड दिखाता हूँ आप लोगों को प्रोसेस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से क्या दिया जाता है, जैसे कि इस तरीके से पूरा अच्छे से दिया जाता है, जो कि व्हाइट सीमेंट में बालू में व्हाइट सीमेंट डालकर अच्छे से उसको मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा, गर्मी में भी इतना जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे सिंपल सा सीमेंट जो यूज़ करते हैं उसको देंगे तो वो बहुत जल्दी फट जाएगा एंड वो टिकने वाला नहीं है। तो इसको दिया जाता है बट ये कुछ दिन के बाद में गर्म की वजह से फट जाता है और निकल जाता है, और फिर से हम लोग इसको मारते हैं बालू में व्हाइट सीमेंट डालकर, पानी वगैरह डालकर मिलाकर फिर से, मतलब कि इसको रिपेयरिंग करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार रिपेयरिंग कर दिए छोड़ दिया, नो हमें इसे बार बार रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो चलो फिर वीडियो फास्ट करता हूँ एंड दिखाता हूँ आगे चलकर क्या क्या होता है। तो अब बारी आई है इसको भी स्मूथ करने के लिए, स्मूथ मतलब कि इसके ऊपर जो कि व्हाइट सीमेंट डालकर थोड़ा तो पानी हाथ लेकर उसको प्लेन किया जाएगा, जो कि देखने में थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। सो इसलिए तो चलो फिर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये व्हाइट मैक्स है, ए सीमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो आप लोग भी ए सीमेंट यूज़ कर सकते हो जब आपके भट्टी में काम होता है। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको क्या किस तरीके से होता है, और इसको इसमें ऐसे देकर देने के बाद में थोड़ा पानी हाथ लेकर मारा जाता है। ठीक है, और इसको प्लेन किया जाता है। सो अब बारी है टांका मारने का, जो कि ओल्डिंग मारने का, जो कि इसका प्लेट ऊपर में लगाया गया था और उसके मतलब कि उसी के इसमें, ठीक है, चार कोने में ओल्डिंग मारा जाता है जो कि प्लेट निकल ना जाए इसलिए। सो फाइनली अब हमारा भट्टी पूरा सेटअप है, फुल सेटअप है। सो इसके अंदर का सिर्फ बर्नल जो है वो जा चुका है, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है, जो कि हम लोगों ने बर्नल भी ऑर्डर किया है, देन बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब कि एक दो दिन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, शायद कल ही आ जाएगा। सो इसमें जो प्लेट था वो पहले 22 इंच का था, जो कि भट्टी भी थोड़ा बड़ा था, अभी जो भट्टी थोड़ा छोटा है, देन उसके हिसाब से 18 इंच का प्लेट लगेगा। सो हम लोग उसको भी ऑर्डर किए हैं। चलो फिर आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये है 22 इंच का प्लेट, जो कि भट्टी बड़ा था उसमें लगा था, जो कि इसके नीचे बर्नल होता है और उसको ऊपर में ए दिया जाता है, जो कि भट्टी में फायरिंग सही से लगे जिसके वजह से दिया जाता है। ठीक है, सो बर्नल का हालत डाउन है देन। सो आज के ब्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो, और पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।